स्वागत है आपका विन आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 25 जुलाई को पॉलिटी का जो टेस्ट पेपर हुआ था उसके 3 मार्कर्स को, और देखेंगे कि किस तरह से 3 मार्कर्स को अटेम्प्ट करना चाहिए अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करने के लिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है जीएसटी परिषद पूछा गया, तो हमारा पहला पॉइंट होगा अनुच्छेद 279A या 279 क के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 2016 में गठन किया गया। इसका सचिवालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। इसका विज़न है सहकारी संघवाद के उच्च मानक स्थापित करना और इसका मिशन है जीएसटी ढांचे को विकसित करना। अब देखिए, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ये ध्यान रखिए कि क्या क्या लिखा गया है इसमें। पहला जो बिंदु है या पहला जो पॉइंट है वह इसके गठन और इसकी स्थिति के बारे में बताता है कि यह किस प्रकार का संगठन है। दूसरा पॉइंट इसकी संरचना को बताता है और तीसरा पॉइंट इसका विज़न और मिशन बताता है जिसके अनुसार यह कार्य करता है। तो तीनों पॉइंट के माध्यम से हमने जीएसटी के परिषद के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बातों को बता दिया है और इससे उसके बारे में एक पिक्चर क्लियर हो जाती है। तो जब भी आप किसी 3 मार्कर को अटेम्प्ट करें तो ध्यान रखें कि कौन से वे पॉइंट हैं जो उसे पूरी तरह से प्रदर्शित कर पाएंगे, दर्शा पाएंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो सबसे पहले इसकी स्थापना के बारे में, 2009 में NIA एक्ट 2008 के द्वारा, यानी ये भी लिख सकते हैं कि यह एक सांविधिक निकाय है, यह एक अधिनियम के द्वारा पारित किया गया है। यह एक आतंकवाद निरोधी संस्था है जिसका गठन 26/11 की घटना के बाद हुआ, या जिसे कहते हैं हम लोग मुंबई आतंकवादी हमला का जो कांड हुआ था उसके बारे में। तो पहला पॉइंट इसके गठन, दूसरा पॉइंट इसके किस प्रकार की यह संस्था या क्या कार्य करती है उसके बारे में, तीसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, और चौथा मुख्यालय नई दिल्ली में। चाहें तो आप मुख्यालय को भी तीसरे पॉइंट के अंतर्गत ही शामिल कर सकते हैं। इसके प्रमुख योगेश चंद्र मोदी या YC मोदी हैं अभी वर्तमान में। तो इस तरह से ये जो 3-4 पॉइंट हैं इनको माध्यम से हमने NIA के बारे में एक संक्षिप्त विवरण लिख दिया। देखिए, ये जरूर 4 पॉइंट हैं लेकिन अगर भाषा के ऊपर आपका अच्छा नियंत्रण है तो इसको आप 3 पॉइंट में भी समेट सकते हैं, थोड़ा सा कम करके, बड़ा मत करिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था मंडल आयोग। देखिए, मंडल आयोग का गठन 1979 में उस समय की जनता पार्टी की सरकार जिसमें प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई थे उस सरकार ने किया था, और इसके अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, और इस आयोग को जिम्मेदारी दी गई थी सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ों की पहचान करना। 1980 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और इसकी मुख्य सिफारिश यह थी कि अन्य पिछड़ा वर्गों को भी सभी सरकारी नौकरियों, तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों में 27% आरक्षण दिया जाए। अब देखिए, कहने के लिए यहाँ पे 4 पॉइंट हैं, आप इसको चाहें तो एकदम छोटा कर सकते हैं। गठन 1979 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा, अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ये एक लाइन। दूसरा, कार्यक्षेत्र सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ों की पहचान। तीसरा पॉइंट में 1980 में रिपोर्ट, पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने की सिफारिश। इसको मैंने बड़ा इसलिए लिखा ताकि ये समझने में सहूलियत हो। तो भाषा पे अगर आपकी अच्छी पकड़ है, आप समझते हैं कि किस प्रकार से शब्दों के साथ आप खेल कर अधिक बातों को कम शब्दों में प्रस्तुत कर सकते हैं, तो 3 मार्कर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है अनुच्छेद 21A के बारे में, 21 क के बारे में। तो पहला पॉइंट, यह अस्तित्व में आया कैसे। संविधान के 86th अमेंडमेंट के द्वारा, 86वें संशोधन के द्वारा संविधान मौलिक अधिकार में इसको मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया, और इसके अंतर्गत 6 से 14 साल के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसमें यह भी प्रावधान है कि गुणवत्ता समेत प्रारंभिक शिक्षा के सभी पहलुओं पर निगरानी के लिए
एक राष्ट्रीय आयोग बनाया जाएगा। तो यह 3.21A के बारे में हमें एक संक्षिप्त विवरण देता है। अगला हम लोगों का प्रश्न है निवारक निरोध या प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो पहले इसको परिभाषित करना है। यह राज्य को एक शक्ति है जिसके द्वारा राज्य किसी भी व्यक्ति को जो संभावित अपराध करने वाला है उसे वह गिरफ्तार कर सकता है ताकि उसको उस अपराध को करने से बचाया जा सके। और यदि निवारक निरोध का प्रयोग किया गया है तो संविधान के अनुच्छेद 22(3) में जो प्रावधान है वो उस लागू होंगे, उसी के अंतर्गत इसका प्रयोग किया गया है। तो इस स्थिति में अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत जो प्रावधान है वो लागू नहीं होते हैं। जैसे 22(1) और 22(2) में प्रावधान है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने रखा जाएगा, उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो ये लागू नहीं होता है यहाँ पे। सरकार को अगर ये लगता है कि कोई व्यक्ति अपराध कर सकता है तो वो उसको गिरफ्तार कर लेगी और उसे ज़रूरी नहीं कि वह मजिस्ट्रेट या कोर्ट में पेश करे, और ऐसा वह 3 महीने तक के लिए कर सकती है मैक्सिमम। तो ये निवारक निरोध के बारे में जानकारी है। इसका प्रयोग सरकारों को कानूनी सीमाओं के भीतर रहकर ही करना चाहिए। ये एक स्टैचुरी पावर है, या ये कहें कि ये एक सांवैधिक शक्ति है, यानी कि ये शक्ति कानून के द्वारा मिली हुई है। अगला जो प्रश्न है वो है मैग्ना कार्टा। यह इंग्लैंड का एक कानूनी परिपत्र है जो सबसे पहले 1215 में जारी हुआ था। इंग्लैंड के राजा जॉन ने सामंतों को कुछ अधिकार दिए थे और यह वचन दिया कि वह भी उन कानूनों का पालन करेगा, उसकी भी इच्छाएं जो होंगी वो कानून की सीमा में बंधी होंगी। नहीं तो इसके पहले राजा जो चाहता था वो करने के लिए स्वतंत्र था। और ये माना जाता है कि ब्रिटिश वैधानिक अधिनियमन की शुरुआत, यानी ब्रिटिश लीगल सिस्टम की जो शुरुआत है वो यहीं से होती है। अगला प्रश्न था स्वर्ण सिंह समिति। बहुत ही पॉपुलर समिति है, बहुत हम सब जानते हैं कि मौलिक अधिकारों का जो संविधान में जोड़ा गया था वो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था। तो सिंपल एक लाइन लिखना था कि 1976 में मौलिक कर्तव्यों हेतु तो सिफारिश करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में समिति की स्थापना। मुख्य उद्देश्य ये था कि आपातकाल के दौरान मौलिक कर्तव्यों और उनकी आवश्यकता पर सिफारिश करना, और समिति ने मौलिक कर्तव्यों के शीर्षक के अंतर्गत संविधान में एक अलग अध्याय को शामिल करने की सिफारिश की थी, और सरकार ने उन सिफारिशों को मानते हुए अनुच्छेद 51A शामिल किया संविधान में, और उसमें 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए जो वर्तमान में 11 हो गए हैं। 11वां आप सब जानते हैं कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अपने बच्चे को या प्रत्येक अभिभावक का कर्तव्य है कि वह जिस बच्चे का अभिभावक है उसको प्राइमरी शिक्षा दिलाए वो। अगला जो प्रश्न है वो है संसदीय सरकार की विशेषताएं। कोई भी 3 विशेषताएं लिखनी थी, जैसे पहला है वास्तविक और नाम मात्र का कार्यपालक, रियल और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। जैसे कि भारत, ब्रिटेन एक वास्तविक प्रधानमंत्री, भारत में राष्ट्रपति नॉमिनल है, ब्रिटेन में वहाँ की महारानी नॉमिनल है। बहुमत वाली पार्टी की सत्ता, यानी कि जो पार्टी बहुमत में होगी वो सरकार बनाएगी, और मंत्रिमंडल या सरकार की एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है संसद के प्रति, इंडिविजुअल नहीं। तो ये 3 विशेषताएं जो हैं वो संसदीय सरकार की हैं। अगला जो प्रश्न था वो था अंतर्राज्यीय परिषद। तो इसके गठन के बारे में पहला पॉइंट होना चाहिए। तो 1988 में जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था, और उस आयोग ने सिफारिश की थी अंतर्राज्यीय परिषद की। यह बेसिकली सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप पे आधारित था, केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित आयोग था। तो उन्होंने केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की सिफारिश की थी। उन्हीं की सिफारिश को मानते हुए 1990 में राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था, और 200 इसका जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत है, और इसका उद्देश्य है कि 2 या उससे अधिक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों या केंद्र और 2 या 2 से अधिक राज्यों, केंद्र शासित क्षेत्रों के बीच
किसी भी मुद्दे पर कोई विवाद है तो उसको सुलझाने का प्रयास किया जाए, और भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, अर्थात जो भारत का प्रधानमंत्री होगा वही इंटर स्टेट काउंसिल या अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होगा। फिर प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में एक विधायक के मत का मूल्य क्या होता है या कैसे इसकी गणना होती है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो लिखना था कि उस राज्य की जनसंख्या डिवाइडेड बाई विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, निर्वाचित सभी सदस्यों की नहीं केवल इलेक्टेड मेंबर्स की, इनटू 1/1000। तो ये फार्मूला सिर्फ लिखना था यहाँ पे, और कुछ नहीं। फिर प्रश्न पूछा गया था निरपेक्ष वीटो अधिकार। देखिए यह राष्ट्रपति का अधिकार है। राष्ट्रपति के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास तीन प्रकार के वीटो पावर होते हैं। वीटो का मतलब होता है किसी कार्य को निषेध कर देना, रोक देना, अंग्रेजी में इसे एब्सोल्यूट वीटो पावर कहते हैं, यानी कम्प्लीटली रोक देना। तो जब निर्धारित प्रक्रिया से कोई बिल पास होकर राष्ट्रपति के पास आए तो वो स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी। तो जब वह अस्वीकार कर दे, वो विद होल्ड कर दे, तो उसे हम कहेंगे कि राष्ट्रपति ने निरपेक्ष वीटो का प्रयोग किया है। ध्यान रखिएगा, जब राष्ट्रपति अपना सहमति देने से मना कर दे, विद होल्ड कर दे, रिफ्यूज़ कर दे, तो उसे कहेंगे कि राष्ट्रपति ने निरपेक्ष वीटो का प्रयोग किया है। एक और वीटो पावर होता है राष्ट्रपति के पास, जिसमें राष्ट्रपति के पास यह प्रावधान है कि वह उसे लौटा सकते हैं पुनर्विचार के लिए। तो ध्यान रखिएगा, उसे सस्पेंसिव वीटो बोलते हैं, उसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। कई लोगों ने आप में से उसी को लिख दिया था निरपेक्ष वीटो। नहीं, जब राष्ट्रपति लौटाते हैं बिल को तो उसे सस्पेंसिव वीटो या निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। और जब राष्ट्रपति किसी बिल को, लेजिस्लेचर के द्वारा पारित बिल को ले करके कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, अपने पॉकेट में रख लेते हैं, तो दैट इज़ नॉन एज पॉकेट वीटो, उसे पॉकेट वीटो या जेबी वीटो कहा जाता है। यहाँ आपसे निरपेक्ष वीटो के बारे में पूछा गया था। भारत में हालांकि इसका प्रयोग बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करता है। हाँ, वह ऐसा कर सकते हैं विशेष परिस्थिति में, जैसे मान लीजिए कि बिल पास हुआ और सरकार गिर गई, तो उस स्थिति में अगर कोई मंत्रिपरिषद है ही नहीं तो राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार निर्णय ले सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रधानमंत्री के कर्तव्य। देखिए, आप में से अधिकांश लोगों ने प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और उनके जितने भी कार्य हैं सब लिख दिया। संविधान में सीधा सीधा आर्टिकल 78 है, जिसमें ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर का उल्लेख है। कर्तव्य, समझिएगा, अधिकार और कर्तव्य में बहुत बारीक अंतर होता है। कर्तव्य हैं जो करने होते हैं, अधिकार का प्रयोग आप करते हैं कर्तव्यों को निर्वहन के लिए। तो अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य हैं वो इस प्रकार होंगे कि संघ के प्रशासनिक मामलों और विधान के प्रस्तावों से राष्ट्रपति को अवगत कराना यानी बताना, राष्ट्रपति द्वारा संघ से संबंधित मामलों और विधान के प्रस्तावों की जानकारी मांगने पर राष्ट्रपति को उपलब्ध कराना, यदि किसी मुद्दे पर या पर किसी मंत्री द्वारा अकेले निर्णय ले लिया गया है और राष्ट्रपति ऐसा चाह रहे हैं कि उस पर मंत्रिपरिषद द्वारा विचार किया जाए तो प्रधानमंत्री उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखेंगे। यह संविधान प्रावधान करता है और हमें उत्तर में यही लिखना है। अगला हम लोगों का प्रश्न है सुपर कैबिनेट। देखिए, मंत्रिमंडलीय समितियों के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें से एक मंत्रिमंडलीय समिति होती है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, जिसको हम राजनीतिक मामलों की समिति भी कहते हैं। इसी को कहा जाता है सुपर कैबिनेट, और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। यह घरेलू एवं विदेशी मामलों से संबंधित नीति पर विचार करती है। जितने भी नीति निर्णय लिए जाते हैं, घरेलू हों या विदेशी, उस पर जो विचार होता है, उस पर जो निर्णय लिया जाता है, वो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी या राजनीतिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है उसी के द्वारा लिया जाता है, और इसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और यह सबसे शक्तिशाली कैबिनेट समिति मानी जाती है और इसीलिए इसको सुपर कैबिनेट कहते हैं। अगला प्रश्न है लेम डक सत्र या सेशन। लेम डक सेशन या लंगड़ा बतख सेशन हिंदी में भी इसे कहा जाता है। इसकी सिंपल सी एक परिभाषा है कि नई लोकसभा के चुने जाने के बाद जो मौजूदा लोकसभा यानी पिछली लोकसभा, उसका
अंतिम सत्र को लेम डक सेशन कहा जाता है। मौजूदा लोकसभा के वे सदस्य यानी पिछली लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित नहीं हुए हैं उन्हें लेम डक कहा जाता है। ध्यान रखिए, कभी ये भी पूछा जा सकता है कि लेम डक क्या होते हैं, तो पिछली लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा में चुनकर नहीं आए वे लेम डक कहलाएंगे और उनकी जो लास्ट बैठक है उसी को लेम डक सेशन कहा या सत्र कहा जाएगा। यह केवल एक संसदीय परंपरा है, संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। हम लोगों का आखिरी प्रश्न था सहकारी समिति, तो पहले इसको डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे कि सहकारी समिति लोगों का एक ऐसा संघ या समूह है जो अपने पारस्परिक लाभ, वो लाभ सामाजिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है, के लिए स्वेच्छापूर्वक सहयोग करते हैं, एकजुट होते हैं। इसे बनाने के लिए कम से कम 10 लोगों की आवश्यकता होती है और 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया 9B या 9 ख, और इसका नाम रखा गया सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो ये 3 पॉइंट सहकारी समिति के बारे में एक संक्षिप्त विवरण देते हैं। देखिए, 3 मार्कर में अगर आप लोग अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो महत्वपूर्ण जानकारी को कम शब्दों में अपनी भाषा पे जो पकड़ है उसका प्रयोग करते हुए ठीक से प्रस्तुत करें तो आपके नंबर बिल्कुल सही आएंगे। 3 हो सकता है 3 भी मिल जाए, नहीं तो 2 या 2.5 तो पक्के मिलेंगे। थैंक यू।